अस्सलाम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी, एनआरके 24 न्यूज़ से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त हम सागर रोड एलबी नगर रोड पर हम ठहरे हुए हैं, जहां पर आज तेलंगाना डीजीपी महेंद्र रेड्डी सर हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही में श्री अंजनी कुमार जो आईपीएस ऑफिसर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर, दोनों भी हमारे साथ मौजूद है। और आज हम इनसे ये मालूम करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे कोरोना वायरस की वजह से कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कई सारे जगहों पर चेकपोस्ट लगाए गए हैं, लेकिन ऐसे माहौल में कहाँ तक हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाई है। और हमारी हैदराबाद सिटी पुलिस माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है, लोग ज़्यादा रोड पर सड़क पर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कोरोना वायरस है वो कहाँ तक कंट्रोल हो पाया, इस बारे में हम कुछ मालूम करते हैं। अदब सर, सर ये जो कोरोना वायरस का जो इस वक्त वायरस जो फैला हुआ है, इस वजह जैसे जैसे कि आपने इस वक्त आप सर्वे पर निकले हैं, तो इस सर्वे में आपको जहाँ तक अंदाज़ा लगा होगा कि ये कहाँ तक कंट्रोल कर पाए हैं यहाँ की आवाम को, कहाँ तक लोग अपने घरों में रहने की कोशिश करें, इस बारे में आप क्या अंदाज़ा लगा चुके हैं उसके बारे में? ये पुराना शहर में हैदराबाद सिटी में ये कोरोना ये डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बहुत इफ़ेक्टिव चल रहे हैं। ये पूरा एरिया का पब्लिक का बहुत मदद भी है, सभी लोग पुलिस डिपार्टमेंट से सपोर्ट करके हेल्प करके ये लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उनका सपोर्ट हमें मिल रहा है। माशाल्लाह सर, जैसे कि हैदराबाद सिटी पुलिस की जो जैसे कि हमारे कमिश्नर साहब हैं अंजनी कुमार हैं और आप डीजीपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप लोगों की जो मेहनत है, आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाए हैं लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर बाहर निकले हैं विदाउट परमिशन के निकले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कि गाड़ियों को सीज्ड कर लिया गया है, तो इस तालुक से बहुत सारे लोग हैं जो नाराज़ हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है, लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं, तो उतना वो लोग चालान बन नहीं पाएंगे, तो इस तालुक से थोड़ा अगर हमारा कानून अगर इस चीज़ को थोड़ा सा लूज़ करके उनके ऊपर कुछ थोड़ा रहम करेंगे या फिर उनकी गाड़ियों को वापस देने के लिए कुछ अगर आप लोगों की हेल्प हो पाई तो। ये हमारे जो लॉकडाउन का डिसीशन है, गवर्नमेंट का डिसीशन, ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है, पब्लिक को भलाई के लिए है, पब्लिक का भलाई के लिए है, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये पिछले एक साल से हम देख रहे हैं ये क्या हो रहा है ये कोरोना वायरस के साथ, इसलिए पब्लिक जो यूथ है इधर उनको रियलाइजेशन आना है कि ऐसे लोग बाहर आके ये कोरोना वायरस को स्प्रेड करके ये उनके लिए हार्म है, दूसरों के लिए भी बहुत हार्मफुल हैं, इसलिए ये रियलाइजेशन हो के वो लोग बाहर ना आना, और जो भी हम लीगल एक्शन लेना पड़ता है ज़रूर ले लेंगे, लेकिन जब भी जहाँ भी कुछ मदद चाहिए तो वी विल डेफिनेटली डू इट, बट लेकिन जो रिपीट कर रहे हैं वो ऑफेंसेस उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि नाज़रीन आप लोग देख रहे थे, इस वक्त हम डीजीपी महेंद्र रेड्डी से हम बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है, लेकिन कानून के तौर पर जिस तरीके से लीगल एक्शन लिया जाएगा वो बराबर लेते रहेंगे, लेकिन बार बार अगर लोग गलती करते रहेंगे तो उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा खादरी NRK 24 न्यूज़ से, इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे, इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का, हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।